नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सेवेंथ की हिंदी। क्लास सेवेंथ की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक पद परिचय। तो देखिए, पद परिचय में हम यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, यानी कि पद परिचय किसे कहते हैं और एक तरह से पद परिचय हम किन किन चीजों का देते हैं, यानी कि हम किस किस शब्द का पद परिचय यहाँ पर देते हैं। तो देखिए, एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। इस तरीके से आपने नोट भी किया है कि पद अर्थात शब्द का व्याकरणिक दृष्टिकोण से विवेचन करना, यानी कि जब हम वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का व्याकरणिक ढंग से परिचय करते हैं, व्याकरणिक दृष्टिकोण से उसका परिचय देते हैं, तो उसे हम पद परिचय कहते हैं। यानी कि ये जो पूरा व्याकरणिक विवेचन आता है, ये जो पूरा व्याकरणिक दृष्टिकोण जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं वो आता है, तो उसके अंतर्गत उस शब्द का रूप, गुण, धर्म, लक्षण आदि की जानकारी आपको मिलती है। यानी कि शब्द का रूप क्या है, यानी कि वो शब्द, जैसे हमने कहा था कि शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उसके उसका भी कौन सा भेद है, कौन सा वचन ये है, कौन सा पुरुष ये है, स्त्रीलिंग, इसका लिंग क्या है, तो ये सारी चीजें, इन सभी चीजों का विवरण देना, इन सभी चीजों का व्याकरणिक दृष्टिकोण से परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है। ये नोट डाउन किया है आप सभी ने अपनी कॉपी में। तो देखिए, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे राधिका बहुत अच्छा गाती है, राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा राधिका बहुत अच्छा गीत गाती है। और अगला हमने लिखा मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है, मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ जो शब्द हैं, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमने अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे राधिका, गीत, मोहन और बाजार से, तो इन्हें हमने अंडरलाइन किया हुआ है। तो इन वाक्यों को जब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से जब आप पढ़ रहे हैं इन वाक्यों को, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आपने देखा कि किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना ही पद परिचय कहलाता है। यानी कि व्याकरणिक दृष्टि से उसका उसका परिचय करवाना पद परिचय कहलाता है। यह आपने यहाँ पर जाना। अब देखिए, पद परिचय के हमने 8 प्रकार बताए थे, यानी कि हम अलग अलग तरह के 8 जो अलग अलग तरह के, जो हमने कहा हिंदी व्याकरण में 8 तरह के जो शब्द होते हैं, ठीक है, 8 तरह के शब्दों को यहाँ पर बताया गया है हिंदी में। तो वो कौन कौन से शब्द हैं 8 तरह के, वो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी कि 8 अलग अलग तरह के शब्द हैं आपके हिंदी व्याकरण में। यानी कि 8 अलग अलग प्रकार के पद हम यूज करते हैं, हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं, ठीक है। यानी ये जो भेद है, ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा कि पूरे हिंदी व्याकरण में 8 तरह के शब्द होते हैं, जिसमें चारों को रखा गया है विकारी में और चारों को रखा गया है अविकारी में। यानी कि चारों को रखा गया है आपके जो विकारी होते हैं, जो परिवर्तित हो जाते हैं, जो चेंज हो जाते हैं, और चारों को रखा गया है अविकारी में, जो परिवर्तित नहीं होते, जो चेंज नहीं होते। तो इसमें हमने बताया था जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये चारों जो है क्या है आपके विकारी है, ये चेंज हो जाते हैं। जब आप संज्ञा में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकता है, एक वचन बहुवचन हो सकता है, सर्वनाम भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकता है, एक वचन बहुवचन हो सकता है, विशेषण भी सेम, क्रिया सकर्मक अकर्मक हो सकती है, चेंज हो सकती है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और नंबर 8 विस्मयादि बोधक।
तो ये जो चार हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये जो चार हैं ये आपके अविकारी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिनमें कोई विकार नहीं आता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। तो ये अविकारी है, तो यानी ये भेद जो ये हमने यहाँ पर आठ प्रकार आपको बताए हैं, ये विकार और अविकार दोनों ही होते हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण में आठ प्रकार के शब्द आते हैं और इन सभी का व्याकरणिक रूप से आपको विवेचन करना है, व्याकरणिक परिचय देना है। वाक्य में इनका प्रयोग होने पर स्थान तथा संबंध के आधार पर परिचय कराना अनिवार्य होता है। अगर किसी शब्द में संज्ञा शब्द का, किसी वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है, या सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, या संबंध बोधक का प्रयोग हुआ है, या क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इनका स्थान यानी कि कौन सा भेद है, ठीक है, संबंध यानी कि क्या संबंध है क्रिया के साथ, ये सब का परिचय कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो हमने यही सब यहाँ पर किया। तो अब देखिए, मैंने ये चीज आपको बहुत अच्छे से नोट करवाई है, आप लोगों ने लिखा भी होगा अपनी कॉपी में, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो अभी यहाँ पर लिख सकते हैं, जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है। देखिए, मैंने ये एक एक चीज आपको नोट डाउन करवाई है, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी फिर से यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिये, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप संज्ञा शब्दों का पद परिचय दे रहे हैं, देखिए ये मैंने आपको क्या किया था, पहले मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सब आपको लिखवाया था और उसके बाद एक एक करके मैंने सबका पद परिचय आपको दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले संज्ञा शब्द का पद परिचय, आपको संज्ञा शब्द का अगर पद परिचय देना है तो आपको कौन कौन सी बातें वहां पर बतानी पड़ेंगी, कौन कौन सी बातें आपने ध्यान रखनी है संज्ञा शब्द का पद परिचय देते वक्त। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि वाक्य में संज्ञा क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको संज्ञा की परिभाषा पहले क्लियर होनी चाहिए। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद अभी तक भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है। मैंने कई बार यहाँ पर आपको पढ़ाया है, एक्सप्लेन भी किया है और रिवाइज भी करवाया है, तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी लगती है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो संज्ञा शब्द की परिभाषा, संज्ञा के जितने भेद हैं वो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको वचन आना चाहिए, यानी कि वचन किसे कहते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। उसके बाद आपको लिंग पता होना चाहिए, यानी कि लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कितने प्रकार के होते हैं लिंग, ठीक है। आपको कारक पता होना चाहिए कि कारक कितने होते हैं, और इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको नहीं कराया गया, ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, क्योंकि लिंग, वचन और आपके ये जो चीजें हैं ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आपको बचपन में ही सिखाया जाता है कि शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, ठीक है। तो ऐसे आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग बचपन में ही सिखा दिया जाता है। वचन, एक वचन, बहुवचन, जैसा जैसे बच्चा, बच्चे, किताब, किताबें, कुर्सी, कुर्सियां, ये सारी चीजें भी आपको बचपन में ही पढ़ा दी जाती हैं। और ये जो सबसे मेन टॉपिक कारक मैंने आपको यहाँ पर बताया था, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पढ़ा है और समझा भी है। तो देखिए, यहाँ पर शब्द, जो संज्ञा शब्द है उसका परिचय कराने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो यहाँ पर लिखी गई है। पांच बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले भेद, यानी कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो संज्ञा के आपके, जैसे मैंने आपको बताया, मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जो जातिवाचक संज्ञा है इसको अगर मैं एक्सप्लेन करके बताऊं तो इसको मैं दो भागों में और हम यहाँ पर बांटते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपके तीन ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा अगर क्लियर हो तो मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में भी बताया था कि द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, बिल्कुल क्लियर, छोटे शब्दों में इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, केवल नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले, छोटे बच्चों की परिभाषा है ये, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं उनको ये वाली परिभाषा बताई जाती है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, यानी कि नाम वाले शब्दों को। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो संज्ञा है। आप
ध्यान पूर्वक समझिए, उसके बाद आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हमने कहा नाम वाले शब्दों को किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। तो इसमें अब देखिए भेद कैसे हमने बनाए, फिर हमने इसको कैसे अलग अलग किया। जब हमने कहा व्यक्तिवाचक, यानी कि अब देखिए नाम वाले शब्द, तो जिसमें हमने कहा व्यक्तिवाचक, अगर मैं कक्षा कहूं कि कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं आप सबकी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि रोहन पढ़ रहा है, ठीक है, तो रोहन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने किसी एक बच्चे का स्पेसिफिक नेम लिया है, नाम लिया है किसी एक बच्चे का। अध्यापिका पढ़ा रही है, ठीक है, अध्यापिका पढ़ा रही है। अब अध्यापिका बोला है तो अध्यापिका पूरे, कोई भी अध्यापिका हो सकती है, किसी स्पेसिफिक अध्यापिका का नाम नहीं लिया है, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही हम कहते सेना, पुलिस बल, ठीक है, जैसे एक तरह से हमने कहा जो हमारा जन समूह, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी जातिवाचक है। फिर भाववाचक, भाववाचक में जब हमने कहा बचपना, ठीक है, बचपन है लेकिन उसके अंदर बचपना है, बचपना है भाव, ठीक है। इसी तरह से बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति है लेकिन बुढ़ापा भाव है, तो इस तरह की चीजें आपकी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद लिंग की बात आती है, तो लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से एक हो सकता है। वचन की बात करें तो एकवचन और बहुवचन हो सकता है। कारकों की बात करें तो कारक हमने सब पढ़े हैं, कर्ता कारक पढ़ा है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। उसके बाद आता है संबंध। संबंध क्या होता है, जब वाच्य हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसका कर्ता के साथ संबंध है, यानी कि ये कृतवाच्य है। इसका कर्म के साथ संबंध है, यानी कि ये कर्मवाच्य है। इसका ना तो क्रिया के साथ, ना तो कर्ता के साथ संबंध है, ना कर्म के साथ संबंध है। इसका वाक्य में आए हुए भाव के साथ संबंध है, तो ये भाववाच्य है, ठीक है। तो संबंध, तो पांच तरह की चीजें आपको बतानी पड़ती है संज्ञा शब्द का पद परिचय देने के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर, अब देखिए मुझे लगता है कि अगर आपको वहां समझ में ना आया हो तो यहाँ शायद बहुत अच्छे से क्लियरली, क्योंकि मैंने एक एक चीजें यहाँ पर आपको क्लियर की है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, परमेश्वर ने चित्र बना लिया, परमेश्वर ने चित्र बना लिया, उदाहरण है ये, नोट डाउन कर सकते हैं, परमेश्वर ने चित्र बना लिया। और किसका पद परिचय दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, संज्ञा शब्द का पद परिचय दे रहे हैं। तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। परमेश्वर ने चित्र बना लिया, तो परमेश्वर जो है नाम है, तो परमेश्वर शब्द का पद परिचय देना है। तो अब आपको परमेश्वर शब्द का पद परिचय देने के लिए सबसे पहले आप बताएंगे कि उसका भेद क्या है, कौन सी संज्ञा है परमेश्वर शब्द में। तो क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि छात्रों ने चित्र बना लिया, बच्चों ने चित्र बना लिया ना बोलकर मैंने कहा परमेश्वर ने चित्र बना लिया, यानी कि आपकी कक्षा के एक बच्चे का नाम लेकर मैंने कहा, तो वो एक स्पेसिफिक नेम है, अलग नेम है, वो बहुत सारे बच्चों के साथ नहीं लिया है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर, परमेश्वर यानी कि ये पुल्लिंग है, किसका साउंड आ रहा है, पुल्लिंग का, लड़के का साउंड आ रहा है, तो लड़का है परमेश्वर, तो उसको हम कहेंगे वो पुल्लिंग है, ठीक है। और साथ ही हमने वचन की बात की थी नंबर 3 पर, तो एक वचन या बहुवचन होगा, तो एक बच्चे का नाम लिया है तो जाहिर सी बात है एक वचन होगा। उसके बाद परमेश्वर ने चित्र बना लिया, ने कौन सा कारक यहाँ पर लगा है, तो ने आपका कौन सा कारक होता है, ने आपका कर्ता कारक होता है, तो ये कर्ता कारक है, ठीक है। उसके बाद बना लिया, इसमें क्या है, क्रिया है, बना लिया क्या है, क्रिया है, ये सभी को क्लियर हुआ,
बहुत ही सरल तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और देखिए जो मैं पढ़ा रही थी वो भी मैंने यहीं पर आपके सामने रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिसमें सरल तरीके से क्लियरली मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये अगर आप एक बार इस तरह से नोट डाउन करके इस पद परिचय को पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि पद परिचय अभी आप केवल क्लास सेवेंथ में है, क्लास एट, क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ में भी आपके साथ रहेगा, यानी कि आपको हमेशा ये पद परिचय जो है आपको देना होगा। और देखिए पद परिचय पढ़ने का आपको एक सबसे मेन फायदा ये होता है कि पद परिचय से आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, यानी कि हिंदी व्याकरण के लगभग हर तरह के शब्द आपको आ जाएंगे समझ में, और साथ ही उनके भेद, उनके जितने भी वचन होते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम शब्द का पद परिचय। अब देखिए सर्वनाम शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय यहाँ पर मैंने आपको बताया था पांच तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है। भेदों में जब सर्वनाम शब्द का पद परिचय देते हैं तो पांच तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पांच तरह के, ठीक है। लिंग और वचन जो होंगे ये भी मैंने लिखवाया है आप लोगों को कि क्या क्या चीजें आपने करनी है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा भेद लिखना होता है, फिर लिंग, तो लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से, वचन में एक वचन या बहुवचन, कारक में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ये सारी चीजें आपने, और संबोधन, ये सारी चीजें आपने देखी है। उसके बाद संबंध की, क्रिया के साथ क्या संबंध है, किसका संबंध है, ठीक है। उसके बाद पुरुष, पुरुष क्या होता है, पुरुष आपको केवल जो पुरुष बताना है वो पुरुष केवल और केवल आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में बताना है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसके भी तीन भेद होते हैं। यहाँ पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका दिया गया है इसके भी तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि कौन कौन से भेद होते हैं, इसके भी तीन भेद होते हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आप लोगों को बताया था तीन तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, और अन्य व्यक्ति यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए। तो देखिए पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम वो उसको कहा जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए प्रयोग करता है। दूसरा आपका कहा जाता है मध्यम पुरुषवाचक, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। तीसरा हमने कहा था आपका अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक में मैंने क्या कहा था, अन्य पुरुषवाचक में मैंने आप लोग को बताया कि जिसमें हम बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति जिस किसी अन्य तीसरे के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो उसको अन्य पुरुषवाचक कहा था। तो पुरुष केवल आपको यहीं पर बताना है, सर्वनाम में तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये आपके तीन तरह के यहाँ पर हमने पुरुष भी क्लियर करे। अब देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं यहाँ पर, इसके मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए हैं, जो हमने यहाँ पर सर्वनाम का पद परिचय दिया है उसमें मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए बहुत ही सरल, वह गुरुकुल गया, वह गुरुकुल गया। अब देखिए वह शब्द का पद परिचय देना है, वह गुरुकुल गया। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें तीन तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह गुरुकुल गया, ये कोई व्यक्ति कह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि वह गुरुकुल गया। इतना तो समझ में आता है आपको जब आप वाक्य को पढ़ते हैं, वह गुरुकुल गया। तो देखिए इस तरह से वह जो आपका सर्वनाम है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर बताएंगे कि वह जो है वो सर्वनाम है, फिर क्योंकि ये किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो ये अन्य पुरुषवाचक है, और गया के हिसाब से ये पुल्लिंग है,
एक वचन है, और क्योंकि यहाँ पर गया शब्द जो है वो कर्ता के अनुसार लिखा है, तो क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। ठीक है, बहुत ही सरल, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर करवाया है इस तरह का। ठीक है, एग्जाम्पल अगला है, वह कौन है, वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता। देखिए यहाँ पर आपको पद परिचय देना है सर्वनाम का, और वो सर्वनाम है यह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता। अब देखिए तीन शब्दों को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, तीन तीन शब्दों को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो वो तीन शब्द कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले हमने कहा कौन, ठीक है, सबसे पहला हमने कहा कौन, तो कौन शब्द है आपका सर्वनाम है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन है जो राष्ट्र को नहीं पूजता के हिसाब से ये पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है। ठीक है, उसके बाद है क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। अगला देखिए जो शब्द का पद परिचय देना है, जो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और अन्य पुरुष भी इसमें है, साथ में पुल्लिंग भी है और कर्ता कारक भी है, और पूजता सेम क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है, पूजता क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर तीसरा शब्द जो हमने हाईलाइट किया है, वो है अपने, अपना यानी कि निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जो अपने लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है, वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता, अपना शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो पूजता फिर से वही शब्द, तो इसलिए ये पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, और राष्ट्र को संबंधी इसका शब्द है, यानी कि राष्ट्र को नहीं पूजता, जिसका संबंध किससे है, राष्ट्र से है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी मैंने आपको तीन से चार अलग अलग तरह के सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करवा दिया, और देखिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और लास्ट सेशन में भी हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें डिस्कस की है सर्वनाम से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं नंबर थ्री, नंबर थ्री में है आपका विशेषण का पद परिचय। ठीक है, अब यहाँ पर आपको विशेषण शब्द का पद परिचय देना है, तो देखिए जैसे मैंने संज्ञा के लिए कहा था कि सबसे पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, उसके बाद भेद पता होनी चाहिए, बिल्कुल सेम सर्वनाम के लिए भी परिभाषा और भेद पता होने चाहिए। विशेषण का जब आप पद परिचय देते हैं तो यहाँ पर भी परिभाषा और भेद पता होनी चाहिए। अब परिभाषा क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको परिभाषा नहीं पता होगी आप विशेषण शब्द छांटेंगे कैसे, कि आपको वाक्य में से विशेषण शब्द बताना है तो विशेषण शब्द छांटेंगे कैसे। तो देखिए विशेषण के भेद, अब विशेषण के चार भेद बताए गए हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। चार भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण, चार भेद। और लिंग सेम, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन एकवचन, बहुवचन और संज्ञा के साथ संबंध। और एक चीज इसमें और देखी जाती है वो है विशेष्य। ठीक है, इसमें एक चीज और देखी जाती है वो है आपका विशेष्य, यानी कि विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो आप इसमें विशेष्य भी बता सकते हैं, विशेष्य भी बताएंगे। तो सबसे पहले भेद बताएंगे, लिंग बताएंगे और क्रिया के साथ संबंध बताएंगे, यानी कि वचन, और नंबर फोर वचन बताएंगे, और नंबर फाइव विशेष्य बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर पहले भी करवाया है एग्जाम्पल मैंने, घर में काला कुत्ता बैठा है, घर में काला कुत्ता बैठा है। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको क्लियर करना है जो आपको हाईलाइट किया गया है शब्द उसको, तो ये इसका आपने पद परिचय देना है। तो देखिए सबसे पहले काला शब्द क्या है, विशेषण है,
और उसके बाद आपका कैसा विशेषण है, वो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक क्यों है, लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी किसी वस्तु व्यक्ति के गुण दोष आकार रंग रूप ठीक है बताए जाते हैं तो उस वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो रंग रूप की बात करी है, घर में काला कुत्ता बैठा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। काला कुत्ता बैठा है, बैठा है तो पुल्लिंग है। एक कुत्ता केवल एक है, एक वचन है। कुत्ता संज्ञा की विशेषता है, यानी कि विशेष्य क्या है, कुत्ता है। विशेष्य क्या है, कुत्ता है। ठीक है, तो ये विशेष भी आपने क्लियर करना है। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुत्ता विशेषण का विशेष। ठीक है, तो चलिए ये आपका विशेषण का पद परिचय भी यहाँ पर क्लियर हुआ। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। अगर याद कुछ चीजें रखनी है तो वो रखनी है आपको विशेषण के भेद, कितने भेद होते हैं। गुणवाचक यानी कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक परिमाणवाचक किसे कहते हैं, सर्वनामिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। और देखिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये अलग बात है, नहीं तो ये सारे टॉपिक इतने अच्छे से यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाए हैं, और आप चाहे तो एक बार घर पर रिवाइज करके इन सभी चीजों को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि अगर आप पद परिचय दे रहे हैं तो उसके लिए तो आपको एक बार सारी चीजें रिवाइज करनी ही पड़ेंगी, सारी चीजों को आपने समझना ही होगा, तभी आप पद परिचय अच्छे से दे सकते हैं। अगला आपका आता है क्रिया का पद परिचय। अब आपको क्रिया शब्द का पद परिचय देना है। ठीक है, तो क्रिया शब्द का पद परिचय देने के लिए भी आपको इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखना होता है। देखिए, ये चीजें आपने कहीं पर भी नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखनी है हर जगह पर। ये लिखवाया है, ये नोट डाउन करवाया है मैंने आप लोग को कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इन चार चीजों को जब आप पद परिचय देते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं, ये लिखवाया है। अब देखिए, क्रिया का के भेद, अगर आपको क्रिया का पद परिचय देना है तो उसके भेद आपको पता होने चाहिए। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। छह भेद ये सभी को करवाए हैं मैंने, छह के छह भेद आपको यहाँ पर करवाए हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करवाए हैं। और उसके बाद जो इसमें बताना होता है वो वाच्य, क्योंकि यहाँ पर क्रिया किसके आधार पर हो रही है वो आपने बताना है। तो अगर क्रियाकर्ता के आधार पर हो रही है तो उसको कृतवाच्य कहेंगे, कर्म के आधार पर होगी तो कर्मवाच्य कहेंगे, भाव के आधार पर होगी तो भाववाच्य कहेंगे। अब देखिए, क्योंकि क्रिया की बात हो रही है तो क्रिया में काल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। काल यानी कि समय, आखिर क्रिया कब हुई है, क्रिया किस टाइम पे हुई है, क्रिया के होने का समय क्या है। तो देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तीन काल आपके होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तो आपको बताना है कि क्रिया भूतकाल की है, वर्तमान काल की है या भविष्यत काल की है। ठीक है, उसके बाद आता है लिंग। तो लिंग में आपने केवल दो ही चीजें कंफर्म करनी होती है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। वचन में भी आपको दो ही चीजें क्लियर करनी होती हैं, एक वचन है कि बहुवचन, और संबंध कि वाक्य के अन्य पदों से क्रिया का क्या संबंध है। ठीक है, तो ये आपको क्रिया के पद परिचय के लिए जरूरी होता है समझना। घर पर जाएं, एटलीस्ट एक टॉपिक, तो जब भी आप घर पर जाएं तो एटलीस्ट एक टॉपिक, यानी कि अगर आप संज्ञा को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको संज्ञा शब्दों का पद परिचय देना आ जाएगा। अगर आप सर्वनाम को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको सर्वनाम शब्दों का पद परिचय आ जाएगा। इसी तरह से क्रिया, विशेषण,
ठीक है, तो ये चार चीजें हमारी क्लियर हो गई है विकारी शब्दों के अंतर्गत जो ये आते हैं, यानी कि विकारी का अर्थ होता है कि जिनमें चेंजेस आ जाते हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है, तो इन चारों में आपका परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद सबसे यहाँ पर मेन चीज जो है क्रिया का पद परिचय किस तरह से देंगे, एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सरल आसान सा और इंटरेस्टिंग सा। उदाहरण के लिए, पिताजी सो रहे हैं, पिताजी सो रहे हैं। अब देखिए, इसके लिए तो आपको क्रिया की परिभाषा पता होनी चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे पिताजी सो रहे हैं, तो पिताजी सो रहे हैं, मैं सो रहे हैं, क्या है? क्रिया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि ये क्रिया है। कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। और कृतवाच्य है, कृतवाच्य कैसे है? पिताजी सो रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के आधार पर प्रयोग की गई है, यानी कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता पर पड़ रहा है, तो इसीलिए ये कृतवाच्य है, ठीक है। वाच्य भी क्लियर कर दिया। अब कहा है काल, वर्तमान काल, पिताजी सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं, तो ये वर्तमान काल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर वर्तमान काल है और पुल्लिंग तो है ही और साथ में एक वचन भी है, क्लियर। पुल्लिंग तो है ही, साथ में एक वचन भी है, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ कमाऊंगा, मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ कमाऊं। तो देखिए, सबसे पहले क्रिया के भेद बताने हैं, तो क्रिया के भेदों में सबसे पहले यह है सकर्मक क्रिया, ठीक है। मैंने सोचा था, सकर्मक क्रिया। उसके बाद कृतवाच्य है, कमाऊं, उसके लिए कुछ कमाऊं, अपने लिए बात की गई है, यानी कि कर्ता का सीधा, क्रिया का सीधा कर्ता से संबंध है। और उसके लिए कुछ कमाऊं, आगे भविष्य में कुछ कमाऊं या वर्तमान में इस टाइम पे कुछ कमाऊं, तो ये वर्तमान काल है। मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ कमाऊं, तो ये आपका पुल्लिंग है और साथ ही एक वचन भी है। तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है जो हमारा ये टॉपिक है, कौन सा? क्रिया। यानी कि क्रिया में हम समझ गए कि किस तरह से हमने कौन सी क्रिया, यानी कि सबसे पहले भेद बताना है कि ये कौन सी क्रिया है, उसके बाद हमें वाच्य बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है, यानी कि अगर क्रिया कर्ता के आधार पर है तो कृतवाच्य है, भाव के आधार पर है तो भाववाच्य है, कर्म के आधार पर है तो कर्मवाच्य है, ठीक है। तो वाच्य भी क्लियर कर दिए। अब देखिए, क्रिया भूतकाल में हुई थी, वर्तमान काल में हो रही है या भविष्य काल में होगी, उसके हिसाब से आपने काल भी लिखना है। उसके बाद लिंग आपको पता ही है कि वचन आपको पता ही है, तो इस तरह से यहाँ पर क्रिया के एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय, क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब देखिए, क्रिया विशेषण का जो पद परिचय है, सेम वही चीजें उसमें भी है, यानी कि सबसे पहले आपको विशेषण यानी कि क्रिया विशेषण की परिभाषा पता होनी चाहिए, तभी तो आप शब्दों को छांटेंगे। अगर आपसे वाक्य में कहा जाए, एग्जाम में कहा जाए एक प्रश्न लिखकर कि निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय दीजिए, यानी कि सबसे पहले आपने पद परिचय छांटना भी है और उसके बाद आपने पद छांटना भी है और उसके बाद आपने उस पद का परिचय भी देना है। तो देखिए कैसे होगा, क्रिया विशेषण के भेद सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, मैंने बताया था रीति का अर्थ होता है विधि, कि क्रिया करने की विधि क्या है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कि क्रिया कहाँ हुई है, स्थान,
परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, यानी कि कितनी मात्रा में क्रिया हुई है। ठीक है, तो ये आपके क्रिया विशेषण के पद परिचय यानी कि के अनुसार हमने सबसे पहले पद परिचय के भेद हमने जाने, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू बाहर गए, चुन्नू मुन्नू बाहर गए। देखिए चुन्नू मुन्नू गए और चुन्नू मुन्नू बाहर गए, तो बाहर शब्द का यहाँ पर आपने पद परिचय देना है। जो बाहर शब्द है अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट किया गया है, इसका आपने पद परिचय देना है। चुन्नू मुन्नू बाहर गए, तो सबसे पहले बाहर शब्द तो क्रिया विशेषण है। दूसरा किस तरह का क्रिया विशेषण है, हम कहते हमने एग्जाम्पल बताए थे बहुत सारे, अंदर चलिए, ऊपर चलिए, वहां बात करते हैं। तो यहाँ पर अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दिशाओं के बारे में ठीक है कहा जाए, तो वो आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। गए क्रिया के स्थान की विशेषता है। ठीक है, गए जो है वो विशेषता है क्रिया के स्थान की, कि चुन्नू मुन्नू बाहर गए। मैं वहां जाकर जरूर मिलूंगा, मैं वहां जाकर जरूर मिलूंगा, तुम भी जल्दी आ जाना, तुम भी जल्दी आ जाना। मैं वहां आकर जरूर मिलूंगा, तुम भी जल्दी आ जाना। देखिए मैंने तीन शब्दों को यहाँ पर गोला लगाया है, तीन शब्दों पर गोला लगाया है। मैं वहां जाकर जरूर मिलूंगा, तुम भी जल्दी आ जाना। तो देखिए मैं वहां जाकर, वहां जाकर, तो वहां शब्द जो है फिर से इसका पद परिचय देना है, तो स्थान वाचक क्रिया विशेषण है। मिलूंगा जो है क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तीसरा, दूसरा है आपका जरूर, जरूर मिलूंगा यानी कि मैं आपसे जरूर मिलूंगा, तो ये आपकी रीति वाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि निश्चय बोधक भी है। जरूर मिलूंगा निश्चय बोधक, और मिलूंगा क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तीसरा जो हमने गोला लगाया है वो है जल्दी, जल्दी यानी कि रीति वाचक क्रिया विशेषण है, और प्रकार बोधक आ जाना की विशेषता बता रहा है, यानी कि तुम भी जल्दी आ जाना। ठीक है, ये किसकी विशेषता को बता रहा है, आ जाने की। कैसे आ जाना, जल्दी आ जाना, और जरूर किसकी विशेषता को बता रहा है, मिलूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर तरीके से क्रिया शब्द का पद पर, क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय हमने यहाँ पर दिया। और साथ ही सबसे मेन जो चीजें है कि आपने ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, और इसी के आधार पर आपको पद परिचय देना आएगा, यानी कि आपको भेद, चाहे वो संज्ञा के हो, चाहे वो सर्वनाम के हो, चाहे वो क्रिया के हो, चाहे विशेषण के हो, और चाहे क्रिया विशेषण के हो, बिल्कुल आपने याद करने हैं। ठीक है, याद आपने करने ही करने हैं। अगला आता है आपका संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक शब्द होते हैं, संबंध बोधक शब्द जो होते हैं उनका आपने पद परिचय देना है। बिल्कुल वही चीजें करनी है आपको, सबसे पहले भेद पता होना चाहिए। तो संबंध बोधक के मैंने आपको यहाँ पर आठ भेद आपको बताए थे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, करणवाचक, तुलनावाचक, ठीक है, स्थान साधन बोधक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक और संबंधी शब्द। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है संबंध बोधक में। ठीक है, ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है संबंध बोधक में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। चोर से पहले पुलिस वहां आ गई, चोर से पहले पुलिस वहां आ गई। तो देखिए ये कैसा है, चोर से पहले पुलिस, तो चोर
और पुलिस में क्या है, संबंध है। तो ये पहले संबंध तो वहां पर बता ही रहा है और साथ में ये कालवाचक भी है, चोर से पहले पुलिस वहां आ गई। ठीक है, अगला है छत के ऊपर कौन बैठा है। छत के ऊपर कौन बैठा है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर शब्द का प्रयोग किया गया है, ऊपर शब्द का पद परिचय देना है। तो छत के ऊपर कौन बैठा है, ऊपर संबंध बोधक तो है ही और साथ में कौन इसके संबंधी शब्द है, यानी कि कौन बैठा है इससे क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर संबंध बोधक का पद परिचय भी समझना है। तो देखिए अभी तक जो हमने यहाँ पर आज पढ़ा उसमें आपने जो जो जरूरी चीजें थी, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको ऐसे ही बताया था, यानी कि मैंने सबसे पहले संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का और क्रिया विशेषण का पद परिचय देना मैंने आप लोग को यहाँ पर सिखाया था। तो आज भी लगभग हमने यहाँ पर काफी सारे जो टॉपिक्स हैं फिर से रिवाइज भी कर लिए हैं और एक नए तरीके से रिवाइज करे हैं, एक नए तरीके से मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपने एक बार इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लिया, इस तरह से आपने उसको नोट डाउन कर लिया, तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी दिक्कत आगे से नहीं होगी पद परिचय देने में, क्योंकि आप साथ के साथ उसके भेदों को भी याद करते जाएंगे और जब आप भेदों को याद करते जाएंगे तो आपके अंदर डाउट आएगा कि इस भेद को क्या कहते हैं, ये किस लिए होता है, तो फिर आप चेक करेंगे यानी कि आप पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा और टॉपिक का जो एक तरह से जो बेस है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको यहाँ पर पढ़ लिया, लगभग संबंध बोधक तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे यहाँ पर समुच्चय बोधक जो शब्द है और साथ ही विस्मयादि बोधक शब्द जो है उनको हम आगे अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो आज आप एक तरह से इसको घर पर रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए घर पर और समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे आप एक तरह से सेंटेंस लिखिए, वाक्य लिखिए अलग अलग तरह के, जिसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को आप लिखें। ठीक है, हर तरह के आप वाक्य बनाएंगे जिसमें संज्ञा भी हो, सर्वनाम भी हो, क्रिया हो, विशेषण हो, अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक से आप देखकर लिख सकते हैं। तो उसमें से फिर आप एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए, पहले संज्ञा शब्द का पद परिचय देना सीखिए, सर्वनाम शब्द का पद परिचय देना सीखिए, क्रिया शब्द का पद परिचय देना सीखिए और इस तरह से फिर धीरे धीरे आपको सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। तो चलिए दो टॉपिक्स जो शेष है उन्हें कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, साथ ही अभ्यास के कुछ प्रश्न भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।